हेलो दोस्तों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। आज जो है हम लोग अपने यहां जो है मानसून प्लांटिंग करने जा रहे हैं, उसके जो कृषक हैं उनसे आपका जो है परिचय कराते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कुलवंत सिंह है और लखीमपुर से, और हमारी फैक्ट्री खंभारखेड़ा चीनी मिल पड़ती है जी। खंभारखेड़ा चीनी फैक्ट्री के अंदर जो है निकट क्षेत्र आता है। जो आज जो है हम लोग अपने यहाँ जो है प्लांटिंग करने जा रहे हैं, जो नई किस्में आई हैं, जैसे कि देख रहे होंगे ये 18231 है, जैसा गन्ना आप देख पा रहे होंगे, ये 18231 गन्ना के आप हम लोग प्लांटिंग करेंगे आज। और इसके साथ साथ जो कोलख 16202 जो गन्ना किस्म आई थी नई, उसकी जो है प्लांटिंग करने जा रहे हैं ये कृषक, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले जो है फैक्ट्री के अधिकारी आए थे, उन्होंने जो है इसका शुभारंभ करवाया है। और प्लांटिंग जो है आज हम लोग जो देख रहे होंगे, पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा उस साइड, ये जो है इस तरीके से जो है प्लांटिंग की जा रही है। इसमें जो है जो मेड़े बनाए गए हैं ऊंची ऊंची, इनके साइड पे जो है गन्ने को लगाया जाएगा। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से जो है गन्ने को लगाया जाएगा इसके साइड पे, और उसके ऊपर हल्की मिट्टी डाली जाएगी, जिससे बरसात अगर होती भी है तो पानी जो होगा वो इसको नीचे दबा नहीं पाएगा। पानी जो होगा नालियों की सहायता से खेत से बाहर निकल जाएगा और ऊपर से जमीन जो है सेट नहीं होगी। मानसून प्लांटिंग जो होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर जाने कि हम लोग क्यों जो है मानसून प्लांटिंग करें, तो मानसून प्लांटिंग का सबसे बड़ा जो फायदा ये मिलता है कि जो किसान भाई अपने यहाँ जो है गन्ना जूस में बेचते हैं, या फिर जिनको सीड के लिए गन्ना मल्टीप्लाई करना होता है, वो क्या करते हैं कि अगस्त में गन्ने की बुवाई करते हैं। उससे होता क्या है कि आप जो है उसको अप्रैल में जो है दोबारा फिर से जो है उसको हार्वेस्ट करके जो है अपना सीड जो है बना सकते हैं। यानी कि यदि आप एक गन्ना लगाते हैं तो एक गन्ने से तकरीबन आपके 5 से 6 गन्ने जो है बन जाते हैं अगस्त के माह में। और ये जो किसान जूस में गन्ने को सप्लाई करते हैं, तो वैसे किसान भी जो है अगस्त में प्लांटिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो अगस्त में प्लांटिंग होती है, इसका जो यील्ड आता है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वैरायटी आपको दिखाऊँ मैं अगर, तो तुरंत जी वैरायटी आपकी जो है, ये वैरायटी कौन सी है वाली? ये लखनऊ से पास है, पिछली वर्ष की गई 16202 कोलक जी। कोलक 16202 गन्ना किस्म जो है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, अच्छा गोला इसका सीधा रहता है गन्ना, ठीक हाँ, और हरा भरा गोला जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। ये जो वैरायटी है कोलक 16202 है, शीघ्र पकने वाली गन्ना किस्म है। और उधर जो आप दूसरी साइड वैरायटी, ये कौन सी है? ये 18231 है जी। अच्छा, इसका गन्ना कुछ जो है मोटा अधिक लग रहा है जैसा देख रहे होंगे। हाँ, जो पिछली बार पास हुई थी 17231, उससे काफ़ी इसका रिजल्ट बेहतर किसानों को मिलेगा। जैसा कि तो आप देख सकते हैं, ये मार्च के लगी हुई है, मार्च के अगले महीने की फर्स्ट वीक की, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं इतनी हाइट हो गई है 12-13 पूरी। काफ़ी सारे मार्च देख रहे होंगे कृषक आए हैं, तो उनसे मैं कहूँगा थोड़ा पीछे आए दिखाएं। चलिए, आपका जो प्लांटिंग डिस्टेंस है थोड़ा इधर आइए आप लोग, ये प्लांटिंग डिस्टेंस आप कितना है? ये 48 इंच यहाँ पे है और 2 फीट गांठ से गांठ रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप बुआई करें तो आप गांठ जो है पूरब की तरफ जो है चोच करके इसकी बुआई करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आपका पौधा निकलेगा तो इस तरीके से निकलेगा जो पूरी धूप को, और इससे भोजन अपने आप ज़्यादा बनाएगा, अदर आपको खुराक देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब स्वस्थ चलेगा पौधा। यानी कि तो इस हिसाब से आप, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, अगर यहाँ पे आप गांठ लगाते हैं तो अगर पानी बारिश ज्यादा हो जाती है जी, तो ओवरफ्लो के कारण ये चलेगा नहीं पौधा आपका। हाँ, और नीचे मिट्टी टाइट भी हो जाएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे किनारे लगा देंगे जी, तो जो बारिश होगी यहाँ से नालियों से पानी निकलता चला जाएगा। और इसमें जो है इसको खाली सीलन चाहिए, खड़ा पानी नहीं पौधे को चाहिए। अगर इसको खड़ा पानी आप दोगे तो इसमें खाद भी डालोगे तब भी ये चलेगा नहीं। मैं आपको थोड़ा आप प्लांटिंग करने को, इधर ये गड्ढे जो है तैयार किए जा रहे हैं। इसमें नया तरीका है मानसून प्लांटिंग करने का, इसका मतलब ये है कि जो है बीच में इसको गन्ने को ना बोया जाए, इससे जो है पानी इसके अंदर ना खड़ा हो। साइड पे जो है गन्ने को लगाया जाता है, जैसे आप तो लगा के दिखाएं। हाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे लगा के इसको रख के, बस ये ध्यान रखना है कि आंख ऊपर हो और आंख सूरज की तरफ होनी चाहिए, पूरब की तरफ। ये पूरब इधर, और ये देख रहे होंगे इस तरीके से गन्ने को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 2-3 महीने में ही आपको रिजल्ट इसका। इस समय गन्ना कच्चा होता है, उसका जो जमाव होता है वो काफी अधिक आता है, क्योंकि इस समय गन्ने में जो है सुक्रोज की मात्रा कम होती है और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। और जब गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका जमाव जो है बहुत ही शानदार आता है। तो किसान भाइयों, आप इधर देख सकते हैं, ये प्रजाति है 18231 जो कि बिल्कुल ठोस है। यहाँ से देख सकते हैं कोई भी इसमें सोती नहीं है।
और इसकी पूरी भी काफ़ी लंबी है। और इसमें ख़ास बात आपको बता दें, ये किसानों को क्यों बोनी चाहिए, तो इसको आप गेहूं काट के भी अगर बुआई इसकी करते हैं तो आपको उत्पादन पूरा मिलेगा। और इसमें कोई भी आपको फंगस की दवाई की स्प्रे करने की जरूरत नहीं, जो कि हम लोगों ने पहले भी बताया था। ये भी आपका जो गन्ना है, मुझे काफी लेट प्लांट का गन्ना, फिर भी जो है काफी अच्छी जो है अप्रैल का गन्ना है, करीब 12 अप्रैल का। हम लोगों ने इस समय कम बीज पड़ेगा और बीज ज्यादा तैयार हो जाएगा, इस वजह से कटिंग। कहने का भाव ये है कि अगर आपको सीड मल्टीप्लाई करना है या जूस में गन्ना सप्लाई करना है या फिर आपको अधिक उत्पादन लेना है तो आप मानसून प्लांटिंग कर सकते हैं। पर मानसून प्लांटिंग आप उस क्षेत्र में करें जहां पे आपके क्षेत्र में पानी ना खड़ा होता हो। यदि आपके यहां पानी खड़ा होता है तो आप पहले उसकी पौध डालें, उसके बाद सितंबर में आप उसको लगा सकते हैं। जिन एरियों में जल निकास अच्छा है तो वो मानसून प्लांटिंग कर सकते हैं, उससे आपका जो गन्ने का उत्पादन है वो काफी अच्छा आता है। गन्ने की मोटाई और लंबाई जो होती है वो काफी जो है अच्छी किस्म में हो जाती है। तो इसमें किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप कूड निकालें उसके बाद में आपको पानी, अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, नहीं बारिश होती है तो आपको इसमें घास की स्प्रे जो है पहले कर देनी है। जी जी, जिस जैसे कि आप बैटरी ब्यूजन डाल सकते हो और एक बायर की काउंसिल एक्टिव आई है वो डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि गन्ना जो है दवाई डालने से पहले इस्तेमाल कर लें आप। जी, उसके बाद में आप 3 से 4 दिन के बाद में आप गन्ने की प्लांटिंग करें। जी जी। अच्छा, ये जो आपका स्पेस है बड़ से बड़ का, वो 2 फीट का है आपका। जैसा कि देख रहे हैं किसान, इस तरह से जो है गन्ने की प्लांटिंग हो रही है, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो है गन्ने को ये देखो लगा रहे होंगे, बड़ थोड़ा ऊपर रख के जो गन्ने को लगाया जाता है। इसमें मिट्टी हल्की कम डाली जाती है, अगर बारिश होती भी है तो कोई भी इसका जो है विपरीत प्रभाव गन्ने के जमाव पे जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने जो है जुड़ी समय अपना दिया और जानकारी दी किसानों को। तो ये थी कुछ जानकारी, यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।